Hello, students, and welcome back to bankexamstudy.com. So, SBI CBO 2022 exam is going to be held on this Sunday, 4th of December. So, uh, a lot of students asked me the various topics that you can expect in the descriptive paper. There will be an essay and there will be a letter that you need to write. Okay. Time management is an issue here. Time management is an issue hai because, see, what I have noticed. <coughs>

ऐसे राइटिंग में टॉपिक किस तरह से आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टार्ट विद द गवर्नमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स आर एनी वेज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ओके फॉर द एम सी क्यू पेपर एज वेल लास्ट ईयर जो है लास्ट ईयर एन पी एस आया था लास्ट ईयर एन पी एस आया था एंड एन पी एस इज एक्चुअली एनी वेज राइट नाउ इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एन पी एस मुद्रा योजना जनधन योजना अटल पेंशन योजना पी पी एफ एंड रिलेटेड स्कीम्स ओके वेरियस इंश्योरेंस एंड यू नो सिमिलर स्कीम्स आर देयर सात आठ स्कीम्स हैं प्लीज़ डू दैट दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट एंड इट इज इट इज़ वेरी ईजी टू राइट एन एस एन अ गवर्नमेंट स्कीम गवर्नमेंट स्कीम पर ऐसे लिखना बहुत बहुत ईजी है आपको सिर्फ वो वाली स्कीम जो है एक्सप्लेन करनी है और अपना थोड़ा सा ओपीनियन देना है एक जनरल टॉपिक पे ऐसे लिखना एक्चुअली मुश्किल होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है प्रेफर करते हैं कि जनरल वाले टॉपिक पे ही लिख लें आ, कोई गलती ना हो जाए एनपीएस लिखेंगे तो शायद कोई गलती ना हो जाए मुद्रा लिखेंगे शायद कोई फैक्चुअल मिस्टेक ना हो जाए लेकिन आ, ये टॉपिक्स पे ऐसे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत गलत है आप जनरल टॉपिक पे लिखते हो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि इसमें मार्क्स अच्छे आ जाएंगे बट अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसे टॉपिक्स में से मार्क्स ज़्यादा बेटर आते हैं इफ़ यू नो द टॉपिक राइट अबाउट इट इफ यू हैव ऑप्शन गवर्नमेंट स्कीम आ गया uh, या ऐसा कुछ जिसके बारे में अपने पढ़ा हुआ है एंड देन द जनरल टॉपिक आई वुड रिकमेंड यू टू यू नो राइट अबाउट दीज गवर्नमेंट स्कीम्स ठीक है एंड देन सोशल इशूज अगेन दिस इज अट ऑफ जनरल टॉपिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया पल्यूशन इन सिटीज ओवर पॉपुलेशन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स ओवर पॉपुलेशन करप्शन इनईक्वैलिटी करप्शन हो गया इनईक्वैलिटी हो गया पॉवर्टी इन इन इक्वालिटी पॉवर्टी इन इंडिया हो गया आपका सच इशूज राइट इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट टू राइट एन एसे फॉर ऑन एन सोशल इशू इट्स वेरी डिफिकल्ट लिखना मुश्किल हो जाता है नहीं लिख पाओगे अच्छे मार्क्स नहीं आते ज्यादातर एंड देन लेटेस्ट टॉपिक्स लाइक लाइक क्रिप्टोकरेंसी यू पी आई इवन इफ यू सी यू पी आई के बारे में इफ़ यू डोंट नो इन डेप्थ क्रिप्टो करेंसी के बारे में इफ़ यू डोंट रियली नो इन डेप्थ देन एक फॉर्मैट नहीं बन पाएगा आपके ऐसे का राय वो आप यू वि राइटिंग जेनरली आप जनरल लिखना शुरू कर दोगे विच वोंट बी वेरी यू नो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे राइट right? मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे मार्क्स अच्छे वहाँ पे आएंगे ये एन पी एस मुद्रा योजना जनधन योजना अटल पेंशन योजना पी पी एफ ऐसे टॉपिक्स में से बिकॉज यू नो अ लॉट अबाउट दीज टॉपिक्स अगर मैं मुद्रा की बात करूँ देखो स्टार्ट करोगे उसका uh, स्टार्ट क्यों किया गया था ऑब्जेक्टिव क्या था जो तीन टाइप्स हैं किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं अभी तक क्या फ़ायदा हुआ है और कंक्लूजन सिंपल ऐसे ख़त्म ओके okay. जंदन में भी ऐसा ही है आप क्रिप्टो के बारे में क्या लिखोगे वट वुड यू राइट अबाउट क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या ही लिख सकते हो बताओ दैट वुड बी डिफिकल्ट यूपीआई के बारे में लिखने बैठोगे तो क्या लिखोगे राइट right. जनरलाइजेशन uh, में आपके लिए कुछ टिप्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फ्रॉम माय साइड फर्स्ट यूज इजी लैंग्वेज डू नॉट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट योर ऐसे डू नॉट ट्राई टू यू नो use very difficult words, very difficult sentences, complex sentences, make it easy to read, use related words, use related keywords, related keywords ka use करें, related keywords ko aap use करें, then only your essay would be good, okay? जो उस टॉपिक को relate करते हैं, ऐसे ही keywords आप use करें, okay? Uh, letter writing में कुछ एक टॉपिक्स आपने कुछ पूछे थे वेरी कॉमन टॉपिक इज राइट अ लेटर टू योर ब्रांच मैनेजर टू इशू अ चेकबुक और राइट अ लेटर टू योर ब्रांच मैनेजर टू फाइल अ कंप्लेन और राइट अ लेटर टू योर ब्रांच मैनेजर कुछ भी इशू हो सकता है अगर रिगार्डिंग अकाउंट क्लोजर अकाउंट क्लोज करना है आपको सो दीज आर दीज द टॉपिक दैट यू कैन राइट ओके कॉमन टॉपिक हैं हर बार यही आता है और देन देर आर कंप्लेंट्स और इन्विटेशन इन्विटेशन भी है कंप्लेंट लिख सकते हैं टू द मेयर रिगार्डिंग यू नो देर इज़ अ गारबेज विच इज़ डम्बड नियर योर हाउस उसका कंप्लेंट कर दें राइट right? और रिक्वेस्ट टू एन एडिटर ऑफ और ऑफ न्यूज पेपर और अ मैगजीन रिक्वेस्ट और गिविंग योर ओपिनियन सो लेटर टू ब्रांच मैनेजर इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज राइट योर सी अगर आप किसी ब्रांच मैनेजर को लेटर लिख रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप उनके कस्टमर हो तो अपना अकाउंट नंबर तो ज़रूर लिखोगे राइट अकाउंट नंबर नेम ये तो ऑब्वियसली आप लिखोगे राइट चाहे डमी अकाउंट नंबर ऐसे ऐसे करके कुछ भी लिख दो लेकिन दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बिना आपकी लेटर अधूरी है सो रिक्वेस्ट टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर मैगजीन और कंप्लेन दीज आर द कॉमन टॉपिक्स कॉमन ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं ठीक है सो एस बी आई सी बी ओ ट्वेंटी ट्वेंटी टू कोर्स जिसमें इवेल्युएशन भी हम करते हैं वी आर डूइंग द एवेल्युएशन एज वेल एंड मेक श्योर दैट यू राइट एटलीस्ट टू टू लेटर्स एंड यू गेट दैम इवेलुएटेड बाय मी आई विल गिव यू सम समजेशन एंड इन द कोर्स इन द लास्ट थ्री फोर डेज यू कैन कवर योर एंटायर सिलेबस यूज दिस कोर्स सी बी ओ ट्रिपल नाइन एंड यूल बी गेटिंग द कोर्स फॉर ट्रिपल नाइन The complete study material along with the descriptive paper classes are there in the course. I recommend all of you to take the course. All these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. I'm really, really happy for all of them. Uh, this is my WhatsApp number 9067201000. This is my personal WhatsApp number. In case of any doubt, uh, just ask your doubts and I'm going to answer all your doubts. That's actually all for today, students. Thank you and have a very, very nice day. Bye-bye.